श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा विशेष और बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन आपको मात्र त्रिपुंड बनाना है, बहुत प्यारा सा, और त्रिपुंड का एक उपाय करना है जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कहते हैं कि जब भी गुरुवार का दिन आता है तब भाग्य को चमकाने वाला है हमें उपाय करने चाहिए। भाग्य अगर चमकता है तो हमारे जीवन में हम सारी चीज पा सकते हैं। देखो, क्योंकि भाग्य चमकता है तो उससे किस्मत चमकने लगती है, और किस्मत का साथ अगर थोड़ा सा भी मिल जाता है ना तो हमारा जीवन सफल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चार महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके भाग्य का उदय करने वाले हैं, जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं, और भाग्य का साथ आपको मिलना बेहद जरूरी है। देखो, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके भाग्य का साथ उनको नहीं मिल पाता है। और कई कई लोग होते हैं थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उसी में उनको सफलता मिल जाती है, कहीं ज्यादा धन की प्राप्ति उन्हें हो जाती है थोड़ी सी ही मेहनत करने पर। तो भाग्य का साथ उनको मिलता है, किस्मत का साथ उनको मिलता है। तो उसी प्रकार से यदि आप भी आपके भाग्य का साथ लेना चाहते हैं, किस्मत को जगाना चाहते हैं, रूठी हुई किस्मत को उजागर करना चाहते हैं और थोड़ी सी ही मेहनत में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुवार का दिन होता है भाग्य का उदय करने के लिए। आज के इस पूरे वीडियो में जो चार उपाय हम आपको बताएंगे, ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। एक एक करते हुए चारों उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, कहते हैं कि जब आपका भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाता है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, तब आपको ये उपाय विशेषकर गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन मात्र एक चुटकी आपको पीला चंदन लेना है, बस ज़रा सा एक चुटकी पीला चंदन में काम हो जाएगा, ज़्यादा भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। पीला चंदन लेना, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना, और ये दोनों सामग्री आप क्या करोगे, जो भी व्यक्ति जिसका भी काम धंधा नहीं चल रहा है, जिसका भाग्य का साथ उसको नहीं मिल पा रहा है, वो ही व्यक्ति ये उपाय करेगा। तांबे के पात्र के अंदर जल भरा हुआ है, इस जल के अंदर आपको मात्र पीला चंदन आपको डालना है, ठीक है। पीला चंदन थोड़ा सा मिला देना और घर से बाहर निकलना, और आपके घर के आसपास गुरुवार के दिन आप जहाँ कहीं भी आपको देखे बेलपत्र, तो बेलपत्र का जो वृक्ष है वहाँ पर आपको जाना है और बेलपत्र के वृक्ष में उत्तर दिशा मुख करके, देखो भगवान शिव को पीला चंदन बहुत प्रिय है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये पीला चंदन मिश्रित जल जो है आपका भाग्य का साथ आपको मिले, ऐसी कामना करते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हो, क्योंकि बृहस्पतिश्वर महादेव गुरु ग्रह को मजबूत करते हैं और गुरु ग्रह जो है वो भाग्य का साथ आपका देने लगते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, पीला चंदन मिश्रित जल आपको अर्पित कर देना है बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से। ये उपाय आप एक गुरुवार, दो गुरुवार, पांच गुरुवार भी लगातार आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके भाग्य का साथ आपको मिलता है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ज्यादा खास है। देखो करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको ओम बनाना है। ये उपाय है घी से करने वाला, ठीक है। आपको आपके घर से गौ माता का घी लेना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है। अब ये कैसे करना है बहुत ध्यान से समझना। ये उपाय भी गुरुवार के दिन करोगे और गुरुवार के दिन भी प्रदोष काल के समय करोगे। प्रदोष काल का समय मालूम है ना, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि डेढ़ घंटे का समय आपके पास रहता है, और इस प्रदोष काल के समय ही आपको ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है। देखो क्या करोगे, आप जाना भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो तांबे के पात्र का जो जल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, आप अनामिका उंगली जो है वो घी के अंदर डुबोकना, और उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको एक बार में ही ओम बना देना है, ठीक है। बार बार आपको लेने की जरूरत नहीं है घी, एक बार में आपको ओम का निर्माण कर देना है। जिसे आप ओम बनाओगे, ओम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपके स्वयं के मस्तक पर आपको बिंदी लगा लेनी है, ठीक है।
मतलब ओम बनाना, ओम जैसे ही बन करके तैयार हो जाएगा, फिर अपने स्वयं के मस्तक पर बिंदी लगा देनी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जो भी ओम बनाता है और ओम बनाने के बाद स्वयं के मस्तक पर इस घी की बिंदी लगा लेता है, भले थोड़े सा अंश भी आ जाएगा ना घी का तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि पूरी टीकी बनना चाहिए। मात्र आपको क्रिया के हिसाब से करना है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से क्रिया करता है उसके भाग्य का साथ उसको मिलने लगता है, उसकी रूठी हुई किस्मत चमकने लगती है। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। देखो, जब आपका कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहा है अब और आप चाहते हैं कि आपका वो काम परिपूर्ण हो जाए, जब भी आप ऐसा सोचते हैं ना, आपके मन में विचार आता है कि आपका ये काम हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित होता है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में, देखो, जो भी वो सोचता है वो कार्य सिद्ध भी कर पाता है, ठीक है, उसके घर में धन की आवक भी होती है। देखिए, बहुत सारे लोग कोई कार्य करने का सोचते हैं लेकिन मन में तरह तरीके के विचार आते हैं, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कुछ वैसा नहीं हो जाए, कोई डील फाइनल करने जाते हैं, मन में तरह तरीके के प्रश्न आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उन चीज़ों में सक्सेस हो जाए तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलने लगता है, आपकी बुद्धि ज्ञान विवेक की आपको प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आपके भाग्य का साथ भी आपको मिलता है। आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है, एक लोटे के अंदर जल ले लिया, साथ में लेना है एक हरी इलायची और शहद। हरी इलायची शहद ले सकते हैं और हरी इलायची पीला चंदन भी ले सकते हैं, दोनों में से एक लेना है, ठीक है। हरी इलायची शहद के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, करना क्या है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है गुरुवार के दिन, तांबे के पात्र से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है और हरी इलायची घी में डुबो करके आपकी जो भी विशेष कामना है वो आपको बोल देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको विजेता प्राप्त होगी। आप जो भी मन में आपको तरह तरीके के विचार आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, तो आपको सही मार्ग आपको दिखने लग जाएगा। ये उपाय वो लोग करेंगे जिनको मतलब कंफ्यूजन होता है कि हम करें या ना करें, ये कार्य हम शुरू करें या ना करें, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम उपाय की, जो कि है चौथा उपाय, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। ये उपाय, पीला चंदन आपको लेना है इस उपाय के लिए और पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है, ठीक है। पीला चंदन आपको लेना है और ये उपाय वो करेगा जिसका भाग्य का साथ जिसको नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत प्रयत्न कर रहा है, बहुत सोचता है कोई काम धंधा करने के लिए लेकिन फिर भी उसका काम हो नहीं रहा है। तो जैसा हमने आपको बताया, ये उपाय है त्रिपुंड का उपाय, त्रिपुंड का बहुत ही प्यारा सा गुरुवार के दिन करने वाला ये उपाय है। इस उपाय के लिए जो पीला चंदन लोगे, साथ में अगर आप तांबे के पात्र का जल लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। देखो, ये उपाय करना है आपको गुरुवार के दिन, किसी भी गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं। कल भी गुरुवार का दिन पड़ा है, बहुत ही प्यारी सी तिथि है, तो आप ये कल भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया और थोड़ा सा पीला चंदन ले लिया, ठीक है। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, तांबे के पात्र से भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने अभिषेक कर दिया, ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जलाभिषेक कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो आपकी जो त्रिपुंड की जो तीन उंगलियां हैं उनको पीले चंदन के अंदर आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड बनाना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, यहीं पर आपको समझने जैसा है। त्रिपुंड की तीन उंगलियां आपने बना दी, अब त्रिपुंड की तीन उंगली में से जो बीच वाली उंगली है, जो बीच वाली उंगली का आपने छापा बनाया था, वहां पर जो त्रिपुंड आपने भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने बनाया था उसमें पीला चंदन लगा हुआ है, थोड़ा सा पीला चंदन आपको निकालना है और आपके कंठ पर आपको चंद्रमा जैसा निशान बनाना है पीले चंदन का, ठीक है। देखो, जरूरी नहीं है कि पीला चंदन आपका पूरा आ जाए या कुछ भी हो जाए, बस आपको क्रिया करनी है चंद्रमा की, आपको एक लाइन बना देनी है, आप किस जो आपकी जो बीच वाली उंगली है त्रिपुंड वाली उंगली, उसी से आपको ये लाइन बना देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से उपाय करता है, वो जो भी कार्य करने में जाता है, जो भी वो कुछ बोलता है गुरुवार के दिन, वो कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आप कोई भी कार्य करने का सोच रहे हैं, कोई आपकी किसी से मीटिंग है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई कार्य को सिद्ध करना है तो वो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो, ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। अगर आपकी कोई मीटिंग आने वाली है मंडे को, ट्यूसडे को, या किसी भी अन्य दिन भी आने वाली है ना, तब आप गुरुवार के दिन आप ये पहले उपाय कर लें, आपके जीवन की सारी परेशानियां निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। मतलब सामने वाला आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगा। ये उपाय आपको जरूर करना है कल के दिन, गुरुवार के दिन, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में चार महा उपाय के बारे में हमने आपको बता दिया, जो कि गुरुवार के दिन करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।